सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज का टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है। सो आज हम ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करके जिसे कहते अनबीटेबल एनर्जी आती है। तो गेस करो क्या है। राइट, दैट्स कॉफी। तो हम कॉफी पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्लैक कॉफ़ी दुनिया में सबसे हेल्दीस्ट ड्रिंक है। क्यों गाइस? क्योंकि उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे मानसिक सतर्कता को बूस्ट करते हैं। सो ब्लैक कॉफ़ी का मतलब ऐसा नहीं है कि शुगर और मिल्क। उसका मतलब है बिना शुगर और बिना मिल्क, या आप ऐसे भी पाउडर के फॉर्म में भी खा सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, कड़वा लगता है, लेकिन एक बार आपको आदत पड़ जाए तो आप उसके एडिक्टिव भी हो सकते हो। इंस्टेंट कॉफ़ी क्या है, कैसे बनती है ये इंस्टेंट कॉफ़ी? सो इंस्टेंट कॉफ़ी की प्रोसेस क्या है तो हम इसी वीडियो में जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप है प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब पेड़ लगाना। तो सबसे पहले इन कॉफ़ी बीन्स का पेड़ लगता है। फिर उस सेकेंड स्टेज है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब मराठीत आपण कापणी बोलतो। तो हार्वेस्टिंग का मतलब काटना, तो इसके बाद होता है ड्राई करना, ड्राइंग प्रोसेस। तो हम उस कॉफ़ी बीन्स को एक बड़े से एरिया में 15 से 20 दिन तक ड्राई अप करते हैं। ड्राइंग प्रोसेस के बाद होता है रोस्टिंग प्रोसेस। तो रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, सो एक कॉफ़ी बीन्स को ड्राई अप करके एक बड़े से रोस्टर में डाला जाता है। कि वो ऐसा भी कहते हैं मराठी में भाजवने मतलब जलाना, तो वो कॉफ़ी बीन्स ब्लैक होते हैं पूरे के पूरे। रोस्टिंग प्रोसेस के बाद आता है पैकेजिंग प्रोसेस और ग्राइंडिंग प्रोसेस। सो हाफ ऑफ द बीन्स पैकेजिंग में जाते हैं और हाफ ऑफ द बीन्स ग्राइंडिंग में जाते हैं। तो जो पैकेजिंग में जाते हैं ना, तो वो मोस्टली ऑफिसेस में यूज़ होते हैं, ऑफिस कॉफ़ी मशीन्स में यूज़ होते हैं। वहाँ पे कॉफ़ी मशीन होता है ऑफिस में, उसमें वो रोस्टेड बीन्स डालते हैं और वहाँ से ग्राइंड होके वो कॉफ़ी बनती है और वहाँ से हम सर्व कर सकते हैं। और ग्राइंडिंग प्रोसेस तो आपको पता है, दुकान पे 2 रुपये का कॉफ़ी का पैकेट मिलता है, तो वो कॉफ़ी बीन्स उसमें ग्राइंड होके वो पैकेट में आते 2 रुपये के। तो ऐसे होता है इंस्टेंट कॉफ़ी। इंस्टेंट कॉफ़ी या 2 रुपये का पैकेट में नोटिस किया होगा उसके बैक साइड पे मोस्टली मैं नेस्कैफे सनराइज खाता हूँ, तो मैंने उस पर नोटिस किया है कि 70% उसमें कॉफ़ी बीन्स, रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स की पाउडर रहती है और 30% शिवोरी रहती है। तो शिवोरी क्या है? शिवोरी एक अल्टरनेट टाइप का कॉफ़ी है, उसका अल्टरनेटिव सब्सटेंस है। तो ये गाइस ध्यान में रखो, इंस्टेंट कॉफ़ी में पूरी की पूरी 100% कॉफ़ी नहीं रहते, उसमें 70% कॉफ़ी और 30% उसका अल्टरनेटिव रहता है। मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी की, तो इंस्टेंट कॉफ़ी के बाद आती है रोस्टेड कॉफ़ी, वो तो आपको तो पता होगा, मैंने अभी जस्ट बताया। तो इंस्टेंट कॉफ़ी के बाद आता है रोस्टेड कॉफ़ी। तो रोस्टेड कॉफ़ी क्या होता है, उसका फर्स्ट प्रोसेस होता है प्लांटेशन के बाद होता है हार्वेस्ट, हार्वेस्ट के बाद होता है ड्राई अप, और ड्राई अप के बाद होता है रोस्टिंग प्रोसेस। सो वो ये 3 प्रोसेस के बाद रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स बनती है जो हम ऑफिसेस में कॉफ़ी मशीन्स में यूज़ करते हैं। जान लिया कि कॉफ़ी क्या है, क्या इसके डिफरेंसेस है, कौन से इसके टाइप्स होते हैं, क्या इसकी प्रोसेस होती है, और हमें कौन सी कॉफ़ी इस्तेमाल करना आसान पड़ेगा, या इसे इंस्टेंट कॉफ़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पाउडर के फॉर्म में होती है। तो ये हमें क्या करना है, सिर्फ इसमें दूध में डालना है और उसमें शुगर डालनी है और हो गई आपकी कॉफ़ी। लेकिन रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स को हमारे पास वो कॉफ़ी की मशीन होनी चाहिए जो ऑफिसेज में होती है, तो हमारा काम सिंपल हो जाएगा। बेटर तो हमें इंस्टेंट कॉफ़ी लगे, ये बेटर टू यूज़ है, कंपैटिबल है, और कहाँ भी लेके जा सकते हैं और कहाँ भी ये मिल सकती है। तो हम इसके हेल्थ बेनिफिट जान लेते हैं। तो दोनों के दोनों कॉफ़ी में रोस्टेड बीन्स और पाउडर के फॉर्म में कैफीन होती है, और मोस्टली इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो क्या क्या इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं ये हम जान लेते हैं। नंबर 1,
कॉफ़ी हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है और टायर्डनेस और लेजीनेस वाली फीलिंग आने से रोकता है। पॉइंट नंबर टू, कॉफ़ी क्या करता है? कॉफ़ी हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर, हमारे ब्रेन में जाकर एक इनहिबिटरी नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करता है, जिससे डोपामिन रिलीज होते हैं और हमारे एनर्जी लेवल बूस्ट होते हैं। नंबर थ्री, कैफीन मोस्टली फैट बर्नर्स में यूज होता है। आप फैट बर्नर के तौर पे भी कैफीन यूज कर सकते हो। तो मोस्टली देखा जाए तो फैट बर्नर्स में मोस्टली कैफीन का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो कैफीन क्या करता है? कैफीन आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है और आपकी चर्बी को घटा सकता है। तो ज़्यादातर कैफीन मोस्टली फैट बर्नर्स में यूज होते हैं। पॉइंट नंबर फोर, जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं या जो लोग ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करते हैं, उसे लोअर रिस्क ऑफ डेथ का इफेक्ट होता है। उसे ज़्यादातर डिजीज़ नहीं पकड़ती। नंबर फाइव, कॉफ़ी आपको ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ाती कि वो हर्ट या स्ट्रोक का कारण बन सके। सो मोस्टली 3-4 mmHg बढ़ाती है। नंबर सिक्स, कॉफ़ी आपके परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। कैसे? तो वो क्या करती है, आपके जो भी फैट सेल्स होते हैं वो फ्यूल के तौर पे यूज़ करती है और इससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो जब भी आप कभी जिम में जाओ, एक घंटा पहले कॉफ़ी पीकर जाओ। बेनिफिट्स बता दिए। अगले वीडियो में मैं आपको 6 डिसएडवांटेजेस बताऊंगा कॉफ़ी के। एंजॉय। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना। अगर कुछ कमेंट हो तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना। टिल देन कीप।